नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम देखेंगे अच्छे विद्यार्थी के पांच गुण। सफलता के लिए ऐसे कौन से गुण हैं, कौन से लक्षण हैं जो विद्यार्थियों में होने चाहिए। तो इसके लिए एक श्लोक है जो आदिकाल से चला आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो श्लोक है, काकचेष्टा बकु ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये श्लोक है जो आदिकाल से हमको सिखाता आ रहा है कि हमारे विद्यार्थियों में, बच्चों में कौन सा गुण होना चाहिए। तो ये श्लोक पर हम चर्चा करते हैं, समझते हैं ये श्लोक हमको जो है क्या शिक्षा देता है, कौन कौन से गुण हमें होने चाहिए। तो जैसा कि श्लोक में लिखा हुआ है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो इसमें से जो पहला है वो है काक चेष्टा। काक का मतलब होता है कौवा। आप सब लोगों ने एक कहानी सुनी होगी जिसमें कौवा जो है प्यासा होता है और पानी की तलाश में उसको एक घड़ा मिलता है। घड़े में थोड़ा सा पानी होता है, उससे वो पानी निकालने का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न को पूरा करने के लिए वो कंकड़ को अपने चोंच में पकड़कर उस मटके में डालता है और जल स्तर को ऊपर करता है, ऊपर करने की कोशिश करता है, उसमें सफल होता है। तो बच्चों साथियों देखिए, एक कौवे के लिए अपने चोंच में कंकड़ को पकड़ना, उठाना और घड़े में डालना कितना जटिल कार्य है, लेकिन उसने अपना लक्ष्य बना लिया है तो वो उस प्रयत्न को पूरा करता है और कोशिश में सफल भी होता है और इजिली वो पानी भी पी लेता है। तो इस प्रकार का दृढ़ निश्चय हमें भी होना चाहिए। दूसरा है बको ध्यानम। बको का मतलब होता है बगुला और ध्यानम का मतलब होता है ध्यान, यानी हमारा जो ध्यान है वो एक बगुले की तरह होना चाहिए। आप लोगों ने एक बगुले को शिकार करते हुए देखा होगा, कैसे वो एकटक पानी की ओर देखते रहता है, अपने लक्ष्य की ओर देखते रहता है कि कब मछली आए और मैं उसको पकड़ूं, कब कैसे मैं उसको शिकार करूं। इसके लिए वो लक्ष्य बनाकर पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रखता है और जैसे ही मछली ऊपर आती है फटाक से उसको पकड़ लेता है। तो इस प्रकार का ध्यान हमको अपने पढ़ाई के वक्त होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति अपना होना चाहिए। जो भी जिस भी प्रकार का आपका लक्ष्य है, चाहे पढ़ाई का हो चाहे और किसी दूसरे चीज में हो, तो आपका ध्यान जो है बगुले की तरह होना चाहिए। तीसरा जो है वो है स्वान निद्रा। स्वान का मतलब होता है कुत्ता और निद्रा का मतलब नींद, यानी हमारा नींद कैसे होना चाहिए, एक कुत्ते की तरह होना चाहिए। आप लोगों ने कुत्ता को देखा होगा कि जब भी वो सोते रहता है और जरा से भी आहट हो जाए तो तुरंत वो जो है चौंक जाता है, चौंक के उठ के खड़े हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस प्रकार का नींद जो है हम सबको होना चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए 7 से 8 घंटे का जो नींद होता है वो पर्याप्त होता है। ज़्यादा नींद लोगे आप तो आपको सुस्ती लगेगी, फुर्ती जो है आपकी चली जाएगी। इसलिए जो नींद है उसका नियंत्रण अपने पास होना चाहिए, न कि हमारा नियंत्रण नींद के पास होना चाहिए। तो हमारा नींद कैसे होना चाहिए, स्वान की तरह, कुत्ते की तरह होना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो आता है स्वल्पहारी, अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है कम और हारी का मतलब खाने वाला। हमको जो है कम खाने वाला होना चाहिए, हमें पर्याप्त भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, लेकिन हमको ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। आज की जो परिस्थिति है वो विपरीत है। आज हमारे बच्चे जो है जितना बहुत ही ज़्यादा क्या खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर की ओर ध्यान दे रहे हैं जिसमें हमको केवल फैट मिलता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऐसे चीज़ों से हटकर हमको पौष्टिक चीज़ों को खाने पर जोर देना चाहिए। और पांचवा लक्षण जो है वो है गृह त्यागी। गृह का मतलब होता है घर और त्यागी का मतलब होता है त्यागने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थियों को घर को त्याग देना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा घरेलू चीज़ों पर व्यस्त नहीं होना चाहिए। जो घर के कामकाज हैं, जो घर में
मैटर्स चल रहे हैं उसमें हमारा दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। जो आपके पालक जो हैं, माता पिता जो हैं, वो आपको जितना काम बताए, आवश्यक जो चीज़ें हैं वो आप करिए। ज़्यादा घरेलू मामलों पर आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो आपको घर छोड़कर भी पढ़ाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब हमको पढ़ाई में ध्यान देना है, घरेलू मैटर पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार ये पांच ऐसे लक्षण हैं जिसको आप अपनाकर निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब इस श्लोक में बताए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान दें और आप भी सफल हों। आप सब लोगों को नए शिक्षा सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब सफल हों, ज्ञानवान हो और आपका स्वास्थ्य रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल एजुकेशन की अड्डा की ओर से। धन्यवाद।